आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ मिनी समोसा की रेसिपी। मैं एक परात में ले रही हूँ मैदा। अब इसमें मैं ऐड करी हूँ अजवाइन ऑयल, आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करी हूँ नमक। पहले हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और एक टाइट सा आटा आपको लगाना है। आपको सॉफ्ट आटा बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आपका आटा सॉफ्ट रहा तो आपके समोसे हैं जो खस्ता नहीं बनेंगे और कड़क भी नहीं बनेंगे। फिर हम इसे रेस्ट करने रख देंगे। अब मैंने उबले आलू लिए, उसमें ऐड करी हूँ रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर, लहसुन की चटनी, नॉर्मल नमक, गरम मसाला, और मैं डालूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, उबले हुए मटर या फिर फ्रोज़न मटर, धनिया डाल के इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे। मीनवाइल हम कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख देंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ सहज का ग्राउंडनट ऑयल। आप ऑयल को स्लो फ्लेम पे रख दीजिए गरम होने के लिए, आप स्लो हाई फ्लेम पे गरम मत करना। अब इसके बनाते हैं समोसे। मैंने एक पेड़ा ले लिया, आपको इसको ओवल शेप में रोल करना है, आपको गोल नहीं बेलना है। देखो इस तरह से आपको लंबा बेलना है। अब मैं इसको बीच में से कट कर रही हूँ और इसके सारे कॉर्नर्स पे पानी लगा दूंगी, और आपको इस तरह से फोल्ड करना है समोसे के शेप में और नीचे से लॉक कर देना है। अब मैं इसमें स्टफिंग ऐड कर रही हूँ। आपको स्टफिंग एकदम टाइट नहीं भरनी है क्योंकि समोसा फ्राई होते वक्त फूलता है, तो अगर स्टफिंग ज़्यादा रहेगी तो समोसा फट जाएगा। इस तरह से आप लॉक कर दीजिए और हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब आप हो सके तो 8 से 10 समोसे एक टाइम पे डाल दें, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रह जाता है और आपके समोसे जो है इवनली कुक होते हैं, उस पर कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए एंड इसको गर्म गर्म चाय चटनी के साथ खाएँ एंड अपनी फैमिली को खिलाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।